कोई भी दो वर्ण है उसको मिलाकर जो शब्द बनाएंगे उसको संयुक्ताक्षर कहेंगे। संयुक्ताक्षर वर्णों में संयुक्ताक्षर वर्णों में छ, त्र, ज्ञ और स वाले शब्द आते हैं। ये वर्ण होते हैं जो एक आधा और एक पूरा अक्षर मिलकर बनता है, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा रहता है। देखिए नीचे हलंत लगा है, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा रहता है उसको हम आधा पढ़ते हैं। जैसे क धन स बराबर मिलकर क्या बनता है, छ। इसको हम आधा पढ़ेंगे और ये पूरा अक्षर है, दोनों को मिलाकर छ बना। जैसे रक्षा, बनने वाले शब्द। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इसी तरह आप और भी शब्द बनाएं, और भी शब्द बनाइएगा और उसको लिखना और पढ़ना सीखिएगा। अभी तक आप संयुक्ताक्षर में दो वर्णों, दो अक्षरों के मेल से आपने शब्द और वाक्य बोध बनाना सीखा। अब आपको आधे अक्षर वाले शब्द से, आधे अक्षर वाले शब्द से शब्द और वाक्य बोध बनाएंगे। इधर देखिए, अभी इसके पहले मैं आपको बताया था पढ़ना और सीखना है। इसमें कुछ और भी वाक्य शब्द दिए हैं, इसको आप पूरा कर लेंगे और यहाँ पर वाक्य दिए हैं इसको भी आप पूरा पढ़ेंगे और लिखेंगे। अभी तक आप संयुक्ताक्षर शब्द बनाना सीखे हैं। अब आप इसका, इस चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला है चित्र का नाम लिखकर
अच्छा ये क्या है, संताक्षर है। हाथी खाता है, यहाँ किसका पिक्चर बना है, गन्ना का पिक्चर बना है, यहाँ क्या लिखेंगे गन्ना। देखें यहाँ पर ना आधा ना पूरा ना है, ये भी क्या है, सही आधे अक्षर को मिलाकर वर्ण बना है। अब इधर देखिए आधे अक्षर को मिलाकर शब्द बना। इधर देखिए ग, इसमें है कुत्ते का पिक्चर बना है, बहुत वफादार होता है, कौन वफादार होता है, कुत्ता। घर में देखिए खाली स्थान को पढ़ो, किसको पढ़ो, पुस्तक को पढ़ो। अंगा में देखिए आओ खाली स्थान करें, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे मस्ती करें। अब दूसरा है प्रश्न नंबर दो, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़िए और शब्द बनाइए। यहाँ कुछ वर्ण दिए गए हैं, इसको जोड़कर आपको शब्द बनाना है। यहाँ देखिए है क आधा च, क प्लस च, इसके नीचे हलंत लिखा लगा है, इसको क्या पढ़ेंगे, आधा च प्लस च प्लस बड़ा आ की मात्रा मिलकर क्या बनता है, कच्चा। इधर देखिए म प्लस आका, का के नीचे हलंत लगा है, इसको आधा का पढ़ेंगे, और प्लस ख प्लस बड़ी की मात्रा मिलकर क्या बनती है, मक्खी। म प्लस छोटा ऊ की मात्रा प्लस ट, ट में देखिए नीचे हलंत लगा है, इसको आधा का पढ़ेंगे, प्लस छ प्लस बड़ी की मात्रा मिलकर क्या बनता है, मुट्ठी। ग प्लस छोटा ऊ की मात्रा प्लस च, ये इसको इसके नीचे हलंत लगा है, इसको आधा चा पढ़ेंगे, प्लस छ प्लस बड़ा आ की मात्रा मिलकर क्या बनता है, गुच्छा। ये हो गए आपके वर्णों से दिए बने हुए शब्द। अब देखिए प्रश्न नंबर तीन, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षर में से एक एक शब्द बनाओ। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, उसमें से आपको एक एक अक्षर बनाना है। यहाँ देखिए आधा ना पूरा ना मिलकर क्या बनता है, नन, तो यहाँ कैसे बना है इसका वो शब्द, प्रसन्न। इसी तरह यहाँ आधा सा और पूरा हुआ लिखा है, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, स्व। तो ऐसे मिलाकर कैसे शब्द बनाएंगे, स्वर। आधा जा और वह है, इसको मिलाकर क्या बनता है, देखिए ज्वाला, ज्वर। आधा मिलाकर बनता है आधा का और यह मिलाकर क्या बन गया, क्यारी। आधा प और यह प्य मिलाकर क्या बन गया, प्यारा, प्यारी। आधा च और छ मिलाकर क्या बनता है, अच्छा। ऐसे गुच्छा भी बन जाएगा। इसी तरह से आपको और भी ऐसे शब्द, आधे शब्द और पूरे शब्दों को मिलाकर अक्षर को, आधे अक्षर पूरे अक्षर को मिलाकर शब्द बनाना है। इसी तरह आपको बनाना है, और इसको आप अपनी बुक में इसको राइट करिएगा, और इसकी इसको कॉपी में भी लिखिएगा। ये आपका ये चैप्टर समाप्त।